गोगाजी महाराज एक ऐसे योद्धा जिसका नाम हर राजस्थानी के जहन में है, जिनके नाम के अभिमंत्रित जल के छिड़काव से ही सर्प पीछे हट जाते हैं, जिन्हें हर कोई पूछता है। लेकिन गोगाजी महाराज असल में कौन थे? गोगाजी महाराज में ऐसी क्या शक्ति थी? उनकी माता बाछल को कैसे मिला गोगाजी के जन्म का अनूठा वरदान? क्या गाथा है गोगाजी महाराज के जन्म की? तो चलिए जानते हैं इस दैविक कहानी को। राजस्थान के एक राज्य में बाछल नाम की एक स्त्री रहती थी। दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर एक भारी बोझ था। बाछल निसंतान थी। हर माँ की तरह वह भी संतान के लिए तरसती थी, लेकिन उसकी ये ख्वाहिश सिर्फ अपने लिए नहीं थी। वह एक ऐसे पुत्र की माँ बनना चाहती थी जो दुनिया की रक्षा करे। उसके दिल में सवाल था, क्या मैं कभी माँ बनने का सुख पाऊंगी? और फिर एक दिन उसने सुना कि एक दिव्य महापुरुष गुरु गोरखनाथ उनके गांव में आए हैं। गुरु गोरखनाथ, जो अपनी दिव्य शक्तियों के लिए जाने जाते थे, गांव में पहुंचे और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बाछल भी बड़ी उम्मीदों के साथ उनके पास गई और संतान के लिए आशीर्वाद मांगा। गुरुजी ने उसकी सच्ची भक्ति को देखा और मुस्कुराते हुए उसे संतान का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी बहन काचल की ईर्ष्या की आग भड़क उठेगी। काचल बाछल के आशीर्वाद से जलते हुए गुरुजी के पास पहुंची और वहीं आशीर्वाद मांगने लगी। जब गुरुजी यज्ञ में ध्यानमग्न थे, उन्होंने काचल को यज्ञ की अग्नि से दो बीज दिए, जो संतान का आशीर्वाद था। काचल ने समझा कि उसने बाछल की किस्मत भी छीन ली है और अब वह जीत चुकी है। उस शाम जब बाछल गुरुजी के पास भोजन लेकर गई, तो गुरुजी गुस्से से भर गए। तुम फिर क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हें आशीर्वाद दे दिया था। बाछल हैरान होकर बोली, मैं तो पहली बार आई हूं। तब गुरुजी ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया और काचल की चालाकी का पता लगाया। गुरुजी को जब यह सच्चाई पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए। वह काचल को श्राप देने ही वाले थे, लेकिन बाछल ने अपनी बहन को बचाने के लिए गुरुजी से विनती की, उसे माफ कर दीजिए, वह मेरी बहन है। गुरु गोरखनाथ बाछल के इस प्रेम और करुणा से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बाछल को और भी बड़े आशीर्वाद देने का निश्चय किया। गुरुजी ने नागों के राजा वासुकी को बुलाया और उससे यज्ञ में अपनी दिव्य शक्ति का हिस्सा देने को कहा, ताकि बाछल का पुत्र असाधारण शक्तियों वाला हो। गुरु गोरखनाथ जी से आशीर्वाद प्राप्त कर कुछ महीनों बाद बाछल गर्भवती हुई, पर उसकी बहन काचल की ईर्ष्या कम नहीं हुई। उसने बाछल की ननद को भड़का दिया, यह कहकर कि बाछल का पति तो कई महीनों से वनवास पर है, तो फिर वह किसका बच्चा लेकर घूम रही है। बाछल की ननद ने उसे बहुत भला बुरा कहा और यह बात बाछल के ससुर अमर सिंह तक पहुंचाई। अमर सिंह ने स्थिति को देखते हुए बाछल को उसके मायके यानी उसके पिता कवर सिंह के घर भेज दिया। रास्ते में जब बैलगाड़ी आराम के लिए रुकी, तो सांपों के एक जोड़े ने बैलगाड़ी चालक को काट लिया, जिससे उसके शरीर में जहर फैलने लगा। जैसे ही वे बाछल को काटने की ओर बढ़े, तभी गोगाजी महाराज ने अपने आध्यात्मिक रूप में गर्भ से बाहर आकर उन्हें रोक लिया। गोगाजी ने अपनी शक्ति से सांपों से कहा कि वह चालक के शरीर से जहर बाहर निकाल दें। उनकी धांकी सुनकर सांपों ने तुरंत जहर चूस लिया, जिससे चालक की जान बच गई। बाछल जब अपने पिता के घर पहुंची तो उन्हें एक सपना आया। उन्होंने गोगाजी से बात की और गोगाजी ने कहा, माँ, मैं नाना के घर जन्म नहीं लूंगा, मैं दादा के घर जन्म लूंगा। बाछल ने जवाब दिया, बेटा, बिना पिता के बुलावे के हम दादा के घर नहीं जा सकते। गोगाजी ने अपने पिता को भी सपने में दर्शन दिए और दादा को चमत्कार दिखाए, जिससे उनके पिता उन्हें लेने के लिए सिरसा पहुंचे। गोगाजी महाराज ने अपने दादा के घर दादेर में जन्म लिया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वे करीब 12 साल तक अपनी मां की कोख में रहे, क्योंकि उन्होंने नाना के घर जन्म लेने से मना कर दिया था। गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से काचल ने भी दो बेटों को जन्म दिया, जिनका नाम सर्जन और अर्जन था। बड़े होकर गोगाजी महाराज का विवाह कंडोल की राजकुमारी सीरियल से हुआ। विवाह के बाद मां के कहने पर
गोगाजी महाराज गुरु गोरखनाथ से आशीर्वाद लेने गए, लेकिन जब उनकी पत्नी सीरियल वन में जा रही थी तो सर्जन और अर्जन ने उन्हें रोक लिया और तंग करने लगे। सीरियल ने यह बात गोगाजी महाराज को बताने की कोशिश की, लेकिन उनकी सास ने कहा, भाइयों के बीच ऐसी बातें होती रहती हैं, तुम गोगाजी को मत बताना। जब गोगाजी गुरु गोरखनाथ से मिलकर लौटे तो उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने सेवकों से पानी मांगा, लेकिन सभी सेवक अवकाश पर थे। सीरियल खुद पानी लेने गई। जब सीरियल पानी लेने जा रही थी तब सर्जन और अर्जन ने उसे फिर से परेशान किया और हाथ और कपड़ों को छूने लगे। यह सब सीरियल ने गोगाजी को आकर बताया। गोगाजी महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर आए और उन्होंने सर्जन और अर्जन का वध कर दिया। जब वह लौटे तो उनकी माँ ने उनके खून से सने कपड़े देखकर कहा, यहां से चले जाओ और कभी वापस मत आना, जिससे वे अपनी माता से दूर हो गए। लेकिन सवाल यह है, उनकी दिव्य शक्तियां कैसे प्रकट हुई और जीवन में उन्होंने कौन से महान संघर्षों का सामना किया, जानने के लिए जुड़े रहिए और इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें। और जाने से पहले हमारे अगले वीडियो भगवान गणेश का खतरनाक अवतार अघोरी गणपति को देखना ना भूलें। यकीन मानिए यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा।